किसान सवाब करना चाहिए। मैंने एक रिवायत देखी कि शबे जुमा में हर रूह अपने घर पे आती है, हर रूह अपने घर पे आती है और वो जब नमाज़े सुबह होती है उससे कबल जो है घर से वापस जाती है, जो उसके लिए इशारे सवाल नहीं किया जाता है, यानी उस वक्त तक वो उम्मीद में रहती है कोई मेरा वारिस मेरे लिए इशारे सवाल करे, लेकिन तौफीक नहीं होती है तो नमाज़े सुबह तक वो रूह जो है उस घर में रहती है और आस लगाए रहती है कोई है जो मेरे लिए सलवार पढ़े मिलके बाबा। और जिसको इशारे सवाब किया जाता है तो इधर इशारे सवाब हुआ, इधर वो रूह जो है चली गई, चली गई, क्यों कि वो यहाँ पे हमसे कुछ लेने आते हैं, हमसे यहाँ से लेने आते हैं और मांगने वाले वो क्वांटिटियां लेता लेता है उधर नहीं जा रहा, लेकिन जब कोई चीज हासिल करता है, जब कोई चीज हासिल करता है और जितने देर से मतलब दस से सवाल करने वाला आपके घर पे आया, सुबह को आता शाम को आता है और आप जो उसको नहीं देते हैं तो उसके चेहरे का रंग क्या होता है? उदास होता है और वो मांगता रहता है, लेकिन जब काफी मुद्दा तक नहीं मिलता है तो उदास होकर चला जाता है, लेकिन इधर सवाल किया, इधर आपने दिया तो उसका चेहरा बशाश होता है, खुश होता है। बस यही मामला जो है इशारे सवाब का है। शबे जुमा जुमरात का दिन आया, आप जो है बातों में मशगूल है, आप जो है काम में मशगूल है, लेकिन सूरह अलहम्दुलिल्लाह जो है पढ़ना वही है ताकि हम इशारे सवाब कर सके, हम रूह जो है वही पर रहती है, लेकिन अगर जल्दी पहुंचा देते हैं तो खुश होने के बाद जहाँ उसका मस्कन है वहां पर चली जाती है। चलो अब ये हमारी रात की जिम्मेदारी है कि हम अपने मरहूमीन को लिए जल्दी से खुश होकर घर पे भेजे, यह सारी रात उदासी के साथ वहीं पे, सारी रात उनको उदासी पे वहीं पे।